السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. I am Umair ibn Abid, and in this lecture we are going to look at speech acts which consist of requesting, commanding, questioning, informing and exclamation. Secondly, we will also look at direct and indirect speech acts. So in this lecture, your concept about direct and indirect speech acts is going to be false if you are not a student of applied linguistics or if you haven't studied pragmatics before. So shuru karte hain. Speech acts. So jab hum baat karte hain speech acts, yani bolne se koi action perform ho jaye, yani for example I speak and some action is performed, ये इसका मतलब है. यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका मकसद ये होता है कि कोई काम कहने के लिए या कोई काम करने के लिए ही हम बोलते हैं ना. इस तरह तो हम नहीं बोलते. मैं कहता हूँ कि मुझे पानी पिला दो, ठीक है. तो अब अगर इसमें देखें, अब जिसको मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने से एक एक्शन परफॉर्म होगा. दोनों सूरतों में एक्शन परफॉर्म होगा. अगर वो बंदा मुझे पानी पिलाता है तो भी एक्शन परफॉर्म हो गया, अगर नहीं पिलाता तो भी एक्शन परफॉर्म हो गया. मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है. मैंने बात तो किया लेकिन मैं एक एक्शन तो करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए कहा जाता है स्पीच एक्ट्स, ठीक है, कि बोलने से जो एक्शन परफॉर्म होते हैं. सो व्हाट वी से और व्हाट एवर वी से, वी वांट टू परफॉर्म सम एक्शन. So in last lectures regarding reference, inference, anaphora, presupposition, etc., we interpret meaning of an utterance in terms of listener or reader. जितने भी हमारे लास्ट लेक्चर्स गुजरे थे प्रैग्मेटिक से रिलेटेड, जिसमें हमने रेफरेंस को देखा, इन्फ्रेंस को, एनाफोरा, प्री सपोजिशन, हमने ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये लिसनर या रीडर से रिलेटेड थी. कि स्पीकर में इसका कोई इतना वो फंक्शन नहीं होता था, यानी स्पीकर तो अपनी बात कह ही देता है वो जिस तरह भी कहे, लेकिन मेन इसमें फंक्शन होता था लिसनर का या रीडर का. कि आपको कोई बात कही जा रही है तो रीडर ने खुद से रेफरेंस देखना कि भाई ये किस बारे में बात की जा रही है, या उसने रीडर या लिसनर ने खुद इन्फर करना है. एनाफोरा में भी यही था, प्री सपोजिशन में भी, कि जो स्पीकर है वो एक्सपेक्ट करता है कि माय ऑडियंस, माय रीडर और माय लिसनर मस्ट हैव सम प्री सपोज्ड नॉलेज अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि जिस बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ रीडर, मेरे रीडर को या लिसनर को, या आम जिंदगी में भी, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी हम बात करते हैं तो हमारे पास प्री सपोज नॉलेज होता है. जब हम अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं, अपने घर वालों में बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं, तो हमारे पास एक प्री सपोज नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है. सो इन जनरल टर्म्स वी रिकग्नाइज द टाइप ऑफ एक्शन बाय द अटरेंस ऑफ अ स्पीकर, वी कॉल दिस टर्म स्पीच एक्ट. सो जनरल टर्म्स आमतौर पर यह भी होता है कि वी रिकग्नाइज द टाइप ऑफ एक्शन बाई द अटरेंस ऑफ अ स्पीकर, के स्पीकर के कहने से हम समझ जाते हैं कि किस तरह का एक्शन परफॉर्म होने जा रहा है या वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है, कि वट इज़ इन द माइंड ऑफ स्पीकर एंड वट द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू और वट इज़ द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है. ये है स्पीच एक्ट. अभी जब एग्जांपल देखें ना तो हमें पता चल जाएगा कि भाई स्पीकर की क्या इंटेंशन है और वो क्या एक्शन परफॉर्म करवाने जा रहा है, या उसके बोलने से हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो स्पीकर है ना वो ये एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है या परफॉर्म करवाना चाहता है. सो एन एक्शन सच एज प्रॉमिसिंग परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विद एन अटरेंस आइदर एज अ डायरेक्ट स्पीच एक्ट और एन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, ठीक है. तो कोई भी एक्शन, फॉर एग्जांपल प्रॉमिसिंग, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करने की रजामंदी जाहिर करते हैं, यू अग्री टू समथिंग. सो परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विद एन अटरेंस आइदर एज अ डायरेक्ट स्पीच और एन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, ठीक है. तो वो जो स्पीकर उसे अब दो तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी प्रॉमिसिंग के एक्शन को, या वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के एक्ट
एक्ट के ज़रिए वो एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा। अभी जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। यानी मैं किसी से कोई बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की एग्ज़ाम्पल ले लें। एक है यार मुझे पानी पिलाओगे प्लीज़, ठीक है, ये एक एक्शन है। मुझे प्यास बड़ी लग रही है। अब देखें जब मैंने कहा कि मुझे प्यास बड़ी लग रही है तो इसमें मैंने डायरेक्टली नहीं कहा कि मुझे पानी पिला दो। यानी असल में तो एक्शन वो है कि यानी जो मेरी इंटेंशन है पानी पीना है, एक के मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास बड़ी लगी है, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन पहले में बिल्कुल डायरेक्टली मैंने वाज़े अल्फाज में कह दिया और दूसरे सेंटेंस में मैंने वाज़े अल्फाज में नहीं कहा, बल्कि इनडायरेक्टली मैंने वो बात कहना चाहिए। सो इन स्पीच एक्ट्स वी परफॉर्म एक्शन लाइक रिक्वेस्टिंग, इन्फॉर्मिंग, क्वेश्चनिंग, कमांडिंग एंड एक्सक्लेमेशन, एंड ऑल ऑफ दीज एक्शंस कुड बी परफॉर्म्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये दरअसल मैं कह रहा था कि जो आपका कॉन्सेप्ट गलत होने जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स के बारे में, कि इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से मुराद वो नहीं है कि वो जो हम करते थे ही सेड डैट, ही वुड गो टू लाहौर, यानी वो हम कहते थे कि हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह बदलना है। इधर प्रैग्मेटिक्स में हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बल्कि यही इधर बात कर रहे हैं कि हम अपनी कोई भी बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही हमारा यानी जो एक्ट है स्पीच एक्ट है वो डायरेक्ट कब होता है और इनडायरेक्ट कब होता है। अब जल्दी जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्टिंग की, सो प्लीज़ गिव मी वाटर, कुड यू प्लीज़ शट डाउन द डोर, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी। सो यू कैन सी इन ऑल दीज सेंटेंसेस द स्पीकर इज़ लाइकली टू रिक्वेस्ट समथिंग। इन सब सेंटेंसेस में हमें वाजे नज़र आ रहा है कि जो बंदा बात कर रहा है वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। कुड यू प्लीज़ शट डाउन द डोर, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगे, क्या आप दरवाज़ा बंद कर दोगे या मेहरबानी फरमा कर मुझे पानी दे दो। ठीक है, सो हियर द स्पीकर इन ऑल सेंटेंसेस सीम टू बी परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, सो बोथ ऑफ दिस सेंटेंस आर स्ट्रक्चरली इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, लेकिन क्या हम कहेंगे कि इधर जो इन दोनों सेंटेंसेस में स्पीकर वाकई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये वो क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा कि तुम क्या क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो। यानी स्ट्रक्चरली ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन मीनिंगफुली और इनमें जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है या जो इनमें स्पीच एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो रिक्वेस्टिंग का हो रहा है परफॉर्म। ठीक है, सो कमांडिंग फॉर एग्जाम्पल शट अप, क्लोज द डोर, कम टू द पॉइंट एंड स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। यू नो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश इट इज़ एन idiom के भाई इधर उधर ना भागो और काम की तरफ आओ, गेट लॉस्ट। सो ऑल दीज अटरेंसेज आर सजेस्टिंग डैट द स्पीकर इज़ कमांडिंग। इन सब में हमें वाजे पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो कमांड करना चाह रहा है। ठीक है, यानी कोई हुक्म दे रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कम टू द पॉइंट एंड स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, क्लोज द डोर, शट अप, गेट लॉस्ट, के निकल जाओ, भाग जाओ, या उर्दू में कहते हैं बकवास बंद करो, जब थोड़ा ज़्यादा सख्त लहजे में कहना होता है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमांडिंग, यानी हुक्म देना किसी चीज़ का, ये भी एक स्पीच एक्ट है। इसी तरह इन्फॉर्मिंग, के हम किसी को सिंपली बस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, खबर दे रहे होते हैं किसी को। When you simply declare something or inform someone, declare or inform का same meaning है। So I went to Lahore yesterday. I have just completed my lecture. I could not eat because I have just had a cup of tea. के अभी अभी मैंने चाय का कप पिया तो मैं कुछ नहीं खा सकता, information ही provide कर रहे हैं ना। इधर शायद आपको एक चीज़ confuse कर रही हूँ, I have just take a cup of tea, आप समझ रहे होंगे आना है। ठीक है, तो दरअसल ब्रिटिश में हैड ही यूज़ करते हैं और अमेरिकन टेक यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग। एंड देन क्वेश्चनिंग, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, ही डिड दिस। अब देखें इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं कि समटाइम्स स्ट्रक्चरली अ सेंटेंस इज़ नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट मीनिंगफुली एंड बाय योर टोन
इट सीम्स दैट द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अच्छा ये तुमने किया है, अच्छा ये तुमने किया है. अब मैं इसमें देखें, अगर स्ट्रक्चरली देखें ये सेंटेंस बिल्कुल हमें इन्फॉर्मिंग या डेक्लेरेटिव सेंटेंस नज़र आ रहा है कि तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, लेकिन जो मेरी टोन है वो यही बता रही है कि मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ही डिड दिस. सो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस में इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो क्वेश्चनिंग में आ जाते हैं. सो लास्ट सेंटेंस सीम्स टू बी इन्फॉर्मिंग बट वी यूज सच सेंटेंसेस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड आर टोन विल डिसाइड वेदर इट इज़ इंट्रोगेटिव और इन्फॉर्मिंग. अगर मैं कहता हूँ हाँ यार ये उसने ये काम इसी ने किया है, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ. या अगर मैं ये कहता हूँ इसने किया, तो फिर वो टोन डिपेंड करेगी कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या इन्फॉर्म कर रहा हूँ. सो सिमिलरली एक्सक्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीच एक्ट. फॉर एग्जाम्पल आउच, हुर्रा, यू डिड इट. अब इसमें भी देखें इसमें आपकी टोन ही बताएगी. यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट. अगर मैं इस तरह कहूँ तो ये इन्फॉर्मिंग आ जाएगा. यू नेल्ड इट, या वाओ सो सैड, ओ नो. वैसे इधर ये वाला वाओ तो नहीं आता, वाओ तो वैसे इधर ये वाला आना चाहिए, ठीक है, ये तो एज अ वर्ब यूज़ होता है. सो सैड, ओ नो. सडन एक्सप्रेशंस ऑफ पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ओ सडन इमोशनल एक्सप्रेशंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्लेमेशन. तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स. आप देख रहे होंगे कि इस लेक्चर में मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल रहा हूँ. तो मुझे दरअसल किसी ने कहा था, मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लिया करो. लेकिन अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि अगर आपने मेरे पहले भी लेक्चर सुने हैं, आपको जिस तरह आसानी होगी, तो वो इसीलिए जो कम्युनिटी टैब में आप कमेंट्स बॉक्स में वो शेयर कर दिया करें. अब तो कम्युनिटी टैब मिल गया, तो अब आप इजीली अपने कमेंट्स उधर बता दिया करें. मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक स्विच कर जाऊंगा, ताकि अगर इंग्लिश स्पीकर्स भी कुछ देखें तो उन्हें भी थोड़ी बहुत समझ लग जाए. सो डायरेक्ट स्पीच एक्ट, एन एक्शन इन विच द फॉर्म यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव, डायरेक्टली मैचेज द फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विद एन अटरेंस, इन कंट्रास्ट टू एन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट. सो दिस इज़ द थिंग आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन लास्ट स्लाइड्स. के फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्ट्रक्चर है, या कह लें हमारी जो फॉर्म है और हमारा फंक्शन, यानी फॉर्म एंड फंक्शन, when both of these are same in a sentence, so this sentence or this speech is said to be direct speech or direct speech act. के आपकी जो फॉर्म है वो आपके फंक्शन के साथ मैच करे. यानी फंक्शन क्या है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, कोई अपनी फीलिंग शो कर रहे हो. सो डिड यू गो टू बाजार, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है. फॉर्म और फंक्शन दोनों इसके सेम है, इंट्रोगेटिव ही है, ठीक है. और गो टू बाजार, अब गो टू बाजार, बाजार जाओ, तो इसमें इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर जो है इम्पेरेटिव है, और फंक्शन जो है वो कमांड हमें नज़र आ रहा है, ठीक है. तो इसका भी अगर देखा जाए, अब गो टू बाजार में भी ये है कि इसमें भी शायद टोन थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है कि इसे डिक्लेरेटिव बना सकती है, लेकिन आम तौर पर अगर गो टू बाजार को देखा जाए तो ये इम्पेरेटिव यानी कमांडिंग सेंटेंस ही बन रहा है. तो फॉर्म के लिहाज से ये कमांडिंग है, और फंक्शन के लिहाज से भी ये कमांडिंग ही है. यानी ये स्ट्रक्चर इम्पेरेटिव कह लें या कमांडिंग कह लें. ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल गया. तो इसको भी अगर आप देखें स्ट्रक्चरली भी ये डेक्लेरेटिव है, यानी एक स्टेटमेंट ही है, एक इन्फॉर्म ही किया जा रहा है, और स्टेट फंक्शन के लिहाज से भी ये सेम है, ठीक है. तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होंगी, अटरेंसेस होंगी, वो डायरेक्ट स्पीच एक्ट में आ जाएंगी, जब स्ट्रक्चर और फंक्शन, या आप कह लें कि फॉर्म एंड फंक्शन आर सेम. फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट आस्क और टेल समथिंग डायरेक्टली इन अ डायरेक्ट स्पीच एक्ट, ठीक है, हम किसी को डायरेक्टली कुछ बता देते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट में. यानी उसमें वही पानी वाली एग्जाम्पल है कि मुझे प्यास बहुत लगी है और मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा, और मुझे बहुत प्यास लगी है ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा,
ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, ये देखा जाए तो एक ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वो एक रिक्वेस्ट का मीनिंग है, मुझे प्यास बहुत लगी है, तो दूसरे बंदे से एक किस्म का रिक्वेस्ट ही है ना कि मुझे पानी पिला दो। आई एम गोइंग टू स्कूल, सो इट इज़ एन इन्फॉर्मिंग सेंटेंस, और यू कैन से डेक्लेरेटिव सेंटेंस। कैन यू राइड अ बाइसिकल, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। बाई स्ट्रक्चर इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड बाई फंक्शन इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो बोथ द फॉर्म एंड फंक्शन इन दिस सेंटेंस और इन दिस सेंटेंस आर सेम, सो दीज आर सेट टू बी डायरेक्ट स्पीच एक्ट। अब आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, एन एक्शन इन विच द फॉर्म यूज डज नॉट डायरेक्टली मैच द फंक्शन परफॉर्म्ड बाई अ स्पीकर विद एन अटरेंस इन कंट्रास्ट टू अ डायरेक्ट स्पीच एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन बट इट सीम्स टू बी अ रिक्वेस्ट। सो हियर इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट डज नॉट मीन दोज ग्रामेटिकल वे ऑफ मेकिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। इधर भी वही बात आ गई है, वो बात मैं दोबारा पहले भी कर चुका हूँ कि इधर इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट से मुराद ये नहीं है कि जो हमने वो बनानी होती है कि ही सेड डैट ही वॉज गोन टू स्कूल, इस तरह नहीं हमने वो कहना, यानी इधर हमारा वही मकसद है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ बात वो डायरेक्टली की जा रही है इनडायरेक्टली, यानी बिल वास्ता या बिला वास्ता भी इसमें नहीं अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इसमें बिला वास्ता वाली तो बात ही नहीं है। हियर इनडायरेक्ट मीन्स डैट यू कन्वे योर मीनिंग इनडायरेक्टली रादर देन डायरेक्टली, ठीक है, ये बस मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिख दिया था जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इधर भी वही बात, मैं पानी वाली एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, ये सिंपल एक डायरेक्ट वो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप दरअसल पानी पीना चाह रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि मैंने पानी पीना है, बस आपने ये कह दिया मुझे प्यास बहुत लगी है, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, कि सुनने में तो ये लग रहा है कि एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है। सो कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, आप कहीं खाना खा रहे हैं तो आप किसी को कहते हैं कि आप उसके पास नमक पड़ा हुआ है, और आप कहते हैं कि मुझे ये नमक पकड़ा सकते हो आप, तो इसमें अब कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है इस सेंटेंस में। फॉर्म के लिहाज से ये क्या है इंट्रोगेटिव, लेकिन फंक्शन के लिहाज से ये क्या है रिक्वेस्ट। इफ वी एनालाइज द अबव सेंटेंस वी कुड सी दैट सिंटैक्टिकली इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट वी वुड नॉट कंसिडर इट एज अ क्वेश्चन, रादर इट सीम्स टू बी अ रिक्वेस्ट। इन दिस वे इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्ट वेयर द स्पीकर वॉन्ट्स टू कन्वे हिज मैसेज इनडायरेक्टली, द स्पीकर कुड से डैट गिव मी द सॉल्ट, स्पीकर कुड ऑल्सो से डैट प्लीज जस्ट गिव मी सॉल्ट, बट ही यूज दिस एक्सप्रेशन एंड यू नो दिस इज़ द मोर पोलाइट एक्सप्रेशन। सो जब हम ये यूज़ करते हैं ना कुड यू प्लीज़ वुड यू प्लीज़, तो ये थोड़ा पोलाइटनेस को भी शो करने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे, तो उसको शो करने के लिए भी ये इस तरह के हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी ये फॉर्म के लिहाज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से इसमें एक रिक्वेस्ट हमें नज़र आ रही है। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम इस तरह की बल्कि यूज़ भी करते हैं, वही जो होती है एग्जाम्पल के कोई बाहर से आया बंदा और दरवाज़ा उसने खोल दिया, आपके बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अब वो समझेगा कि भाई ये चाह रहा है कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, रादर देन आप कहें कि दरवाज़ा बंद कर दो, आपने कहा कि बहुत सर्दी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज़ पोलाइटनेस, एंड दिस वुड बी द सेकंड लास्ट, आई होप सो, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लेक्चर ऑफ प्रैग्मेटिक्स, और यू कैन से ऑफ बेसिक प्रैग्मेटिक्स। So don't forget to give your feedback. Remember in your prayers, Jazakallahu khairan and thank you.